बताया कि अजान क्या है, और अजान होने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो नमक के बराबर है। और कुछ लोग, खास करके मेरे मुसलमान भाई है, जो अजान सुनते हैं और अपने काम धंधे को लगते हैं, मस्जिद में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, दुआ मांगते हैं। अभी अजान ऐसी जो एक धर्म की एक भावना है, अजान जब भी सुनते हैं तो अजान की आवाज़ में इतनी मिठास रहती है, वो मिठास सुनकर लगते हैं कि ये अजान है ये कितने घंटे में वापस चलेगी और कितने घंटे के बाद हम लोग सुनेंगे, ऐसा हमेशा लगता है। और मैंने, मेरे मन में एक विचार आया अजान सुनते ही कि अजान जब भी देते हैं ना, अजान में कितना आवाज़ अच्छा रहता है, जो भी मौलाना करते हो गए अजानों, और छोटे बच्चे भी ये अजान करते हैं। तो हमारे उप विभाग प्रमुख है शकील अहमद, मैंने उनसे ये कहा कि शकील भाई एक ऐसा क्यों नहीं करेंगे, एक अलग की, अलग ढंग की, एक अलग तरीके की एक कंपटीशन हम लोग रखेंगे हमारे मुसलमान जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये रहेगी कि जो अच्छी अजान करेगा उसका आवाज़ देखा जाएगा, आवाज़ के साथ साथ उनके जो उच्चार है, प्रोनाउंसिएशन है उनकी, वो देखे जाएंगे, और वो कितना मिनट में ख़त्म करता है, कैसे ख़त्म करता है, वो सब आपके परीक्षक लेंगे, आपके सुपरवाइज़र रहेंगे, आप वो देख लेंगे, बड़े बड़े मौलाना रहेंगे, और वो कॉम्पिटिशन में वो एज अ जो परीक्षक जैसे काम करेंगे, और अच्छा जो अजान देगा उसको हम लोग प्राइज रखेंगे। ये कंपटीशन मेरे ख्याल से आज तक कहाँ हुई नहीं होगी, और मेरे को नहीं लग रहा किसी ने की होगी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि नहीं, अपन ये करेंगे। तो मैंने शकील भाई को बोला हूँ कि ये अजान की कंपटीशन अपने को जल्द से जल्द रखनी है, और उसके लिए जो भी खर्चा आएगा, जो भी बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, जो कंपटीशन के लिए उनको जो बख्शीश है, वो हम लोग शिवसेना की तरफ से देंगे।